नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिले में शहर से लेकर गांव तक भक्तों ने सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई। जिला पुलिस की विशेष टीम ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कीन बम और हथियार के साथ 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और नगर निगम विस्तारीकरण का कार्य हुआ शुरू, 10 फरवरी तक कार्य पूरा होने की संभावना है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले में शहर से लेकर गांव तक शैक्षणिक स्थानों में मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाई गई। जिले के शिक्षण संस्थानों, मोहल्लों और घरों में शनिवार को विद्या की देवी मां वीणा वादिनी का पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राएं मां सरस्वती की पूजा पूरे भक्ति भाव से किया। पूजा के उपरांत अपने दोस्तों को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा माहौल भक्तिमय हो रहा था। हर कोई इस पूजा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। बोचहा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने मां सरस्वती पूजा की। वहीं पूर्व मंत्री रमई राम ने भी मां से लोगों की सलामती की दुआ मांगी। विद्या दायिनी मां सरस्वती की पूजा जिले में धूमधाम से मनाई गई। बोचहा विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेताओं ने मां सरस्वती की पूजा कर बोचहा की जनता की सलामती की दुआ मांगी। पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने अपने आवास पर मां सरस्वती की प्रतिमा बैठाई और अपने सपरिवार के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ मां की पूजा अर्चना की। बेबी कुमारी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष मां की पूजा करती हूँ, इस बार मां से जिले के लोगों की सलामती की दुआ मांगी है। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के अवसर पर हम प्रत्येक साल अपने आवास पर माँ सरस्वती जी का मूर्ति का स्थापना करती हूँ और यहाँ प्रसाद वितरण करती हूँ और यही माँ सरस्वती से आशा करती हूँ कि हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के बच्चे स्वस्थ रहे, शिक्षित बने और सबके घर में सुख समृद्धि आए। यही माँ सरस्वती से आशा करती हूँ, सबके बच्चे होनहार हो और सबके बच्चे संस्कारी हो। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री रमई राम ने भी अपने परिवार के साथ माँ सरस्वती के मंदिर में पूजा अर्चना की और रमई राम ने कहा कि माँ की पूजा हम वर्षों से कर रहे हैं और इस बार जिले समेत पूरे राज्य के लोगों की सलामती की कामना की। लगातार 1952 से पूजा करते रहे, सरस्वती पूजा करते करते हमारी पत्नी कहती थी कि हर साल बनाते हैं, पंडाल लगाते हैं और विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने में बहुत तकलीफ उठाना पड़ता था, बहुत परेशानी हो रही थी। तो हमारी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती तैतरी देवी के, जो अभी स्वर्गीय हो चुकी है, उनकी प्रेरणा हुई कि नहीं मंदिरें बना दीजिए, तो हमेशा मंदिर में पूजा होता है और सब श्रद्धालु आकर पूजा करते हैं। उनके प्रेरणा से मंदिर का निर्माण हुआ 2001 में। उस समय से लगातार निरंतर माँ शारदे की आराधना श्रद्धालु भक्तों और सभी संभ्रांत नागरिकों राज्य और जिला के संभ्रांत व्यक्ति द्वारा, विद्वता प्राप्त लोगों के द्वारा पूजा आराधना किया जाता रहा है। अभी उसी क्रम में अभी कोरोना का बोलबाला है, इसलिए सरकार के नियमों के अनुसार ही पूजा की कार्रवाई। भले ही बोचहा विधानसभा क्षेत्र में दिग्गज नेताओं द्वारा मां सरस्वती की पूजा जरूर की गई, लेकिन इस पूजा में कहीं ना कहीं बोचहा उपचुनाव की धमक जरूर देखने को मिल रही। जिला पुलिस की विशेष टीम ने जिले के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कीन बम और हथियार के साथ 10 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिले के 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार, लूटी हुई मोटरसाइकिल,
कार समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। यह अभियान डीएसपी ईस्ट अभिषेक आनंद और सरैया एसडीपीओ राजेश शर्मा के नेतृत्व में चलाई गई है। इसी दौरान जिले के कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भेड़ियाही में भाई ने भाई की हत्या करने की साजिश रच डाली। हत्या भी पिस्टल या चाकू से करने की तैयारी नहीं, बम से उड़ा देने की साजिश थी। लेकिन कथैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात छापेमारी की। हिस्ट्री शीटर रह चुके राम नरेश सहनी के घर से 9 केन बम बरामद किया। मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पारू के रामनाथ ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया। इसी से राम नरेश ने बम खरीदा था। पूछताछ करने पर पता लगा कि इस बम से उसने अपने भाई रमेश सहनी की हत्या करने की साजिश रची थी। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी को लेकर थाना लौट गई। बम को फिलहाल पानी में डाल दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम ने इसे डिफ्यूज्ड किया है। टिफिन में बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री मिलाकर बम तैयार किया गया है। दोनों ने मिलकर डकैती की भी साजिश रची थी। राम नरेश वर्षों से अपराध की दुनिया में रहा है, कई बार जेल भी जा चुका है। बम बनाने की कला में वह माहिर है। उसी ने बम तैयार किया था और अपने घर में ही रखा था। एक बम का अनुमानित वजन 250 से 300 ग्राम बताया गया है। अगर बम फटता तो इसके धमाके से काफी बर्बादी होती, जान भी जा सकती थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने बड़ी घटना होने से टाल दिया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस को अहम सफलता मिली है। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम जो कि डीएसपी वेस्ट अभिषेक और डीएसपी सरैया राजेश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने 3 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 10 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने अहम कांडों का खुलासा किया है। इसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया कथैया थाना से, जिनके पास से 9 केन बम मिले हैं और इसमें से पकड़े गए एक व्यक्ति पूर्व में 9 केसेस में जो कि लूट के डकैती के और मर्डर के केसेस रहे हैं उसमें पूर्व से फरार था, उसके पास से 9 केन बम मिले हैं और उसके निशानदेही पे एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, अन्य अपराधी की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा सरैया में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में अन्य 8 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है जो कि लूटपाट गिरोह और इसके अलावा स्प्रिट माफिया से संबंधित थे। इसमें छापेमारी में 8 लोगों को अरेस्ट करने के दौरान पुलिस से इस मामले में आगे अपराध को रोकने में सफलता मिली। क्या बरामदगी इनके पास? इनके पास से चोरी की 3 बाइकें, 1 कार और इसके अलावा जो है हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ जारी है। सर, ये 9 बम जो बरामद हुए इनका ताल्लुकात क्या है? बम बनने में अभी तक के जो कथैया थाना क्षेत्र में डीएसपी वेस्ट के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इसके पास से जो है 9 केन बम बरामद हुए हैं और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राम नरेश सहनी बताया जा रहा है वो पूर्व में 9 केसेस में पहले से भी अपराध में संलिप्त रहा है, जिसमें जो है ये अपराध लूट के, डकैती के और मर्डर के अपराध रहे हैं। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये इन केन बम का इस्तेमाल आगे अब जो लूटपाट के केसेस में करता है, जिसमें जो मुख्यतः हाउस डकैती के केसेस थे उसमें इसकी योजना थी। इसमें आगे भी पुलिस की रेड जारी है। जिले के मीनापुर और सकरा में चाकूबाजी और हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हुए। जिले में शुक्रवार को अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी और हिंसक झड़प की घटना घटी। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। एक घटना मीनापुर में तो दूसरी घटना सकरा में घटी। जख्मी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। दोनों जगहों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, एहतियातन पुलिस निगरानी कर रही है। बताया गया कि सकर थाना क्षेत्र के विधुपुर गांव में मोहम्मद कुदूस ने मोहम्मद शमसूल को चाकू से वार कर घायल कर दिया। उसके शरीर पर 10 जगहों पर चाकू से वार किया गया। चेहरा और सिर पर भी गहरे जख्म के निशान हैं। उसे सकरा पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल रेफर कर दिया गया। स्थानीय सरपंच अरविंद कुमार ने बताया कि 4 दिन पूर्व दोनों के बीच जलावन रखने को लेकर विवाद हुआ था। इसे लेकर पंचायत भी हुई, जिसमें दोनों पक्ष को समझाकर मामले को सलटा लिया गया था। शुक्रवार को उसी मामले को लेकर शमशूल बात करने लगा था, तभी कुदूस ने चाकू से ताबड़तोड़ कई बार वार कर उसे जख्मी कर दिया। आसपास के लोग जब घटना देखकर दौड़े तो
तो आरोपी वहां से भाग निकला। थानेदार सरोज कुमार ने बताया कि आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इधर मीनापुर में एक दिन पूर्व हुए वार्ड सचिव के चुनाव के बाद ही दो पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर शुक्रवार को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद जमकर चाकूबाजी हुई। इसमें कई लोग जख्मी हो गए, लेकिन कोई भी कुछ बताने से इनकार कर रहा है। पुलिस मामले की जांच अपने स्तर से कर रही है। मिदलीपुर से एक मोहम्मद कुदूस और मोहम्मद कासिम और असीला खातून, और जो है कि चाकू जिसको लगा है उसका नाम है मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद रमजान। ये दोनों आपस में चचेरा भाई और पड़ोसी हैं। बकरी रास्ता पर बांधने को लेकर के झगड़ा झंझट हुआ, इसी में मोहम्मद कुदूस ने मोहम्मद सरफराज और रमजान को चाकू को लग गया है। उसको बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है सदर हॉस्पिटल में, उसका इलाज चल रहा है, आवेदन प्राप्त हो रही है, कार्रवाई की जाएगी, मोहम्मद कुदूस को गिरफ्तारी भी कर दी गई। ऑनलाइन फूड डिलीवरी छोटूलाल ऐप का विधिवत उद्घाटन पर्यटन मंत्री ने किया। छोटूलाल ऐप का उद्घाटन करते हुए पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप छोटूलाल का सुस्वाद व्यंजन आपकी व्यवस्थाओं के बीच हर परिस्थिति में आपके घर तक आपका मनपसंद व्यंजन लेकर पहुंचेगा छोटूलाल। आत्मनिर्भर बिहार के बढ़ते हुए कदम के साथ मुजफ्फरपुर में छोटूलाल की सेवा शुरू हो रही है। माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी हो और आने वाले हर पर्यटन को सुविधा मिले। छोटूलाल ऐप को लोन वाले युवा उद्यमियों को बहुत सुविधा देता हूँ, इसके माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होगा। ये आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना है। छोटू ऐप के माध्यम से हमारे जितने भी होटलों से संबंध रखते हैं या भोजन से या किसी प्रकार की उनकी कोई दिक्कत होती थी, जो बरसात के आने में या परिवार के नहीं रहने में महिलाओं को आने में, इस ऐप के माध्यम से वो सीधा संवाद करके अपना लिखवा सकती हैं। और इसके माध्यम से हमारे जो ऐप है छोटेलाल ऐप, उसके माध्यम से हमारे नौजवानों को काम करने का भी मौका मिल रहा है। हमें पता चला है यहाँ की 300 लड़के इस ऐप में जुड़े हैं। घर से होटल से लेकर घर तक वो पहुंचाएंगे, उसी रेट में पहुंचाएंगे और उनकी वो सारी सुविधा मिल जाएगी जो मतलब लोग जो चाहते हैं। जितने भी गरीब तबका के हैं या मझोल हैं या बड़े हैं, उनकी जरूरत है उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। इस ऐप को बनने से देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। वही कंपनी के निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि हमारी सेवा आपके विश्वास पर खरा उतरे, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। आपके सहयोग और प्रेम से हम हर स्थिति में आपकी सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। ये पावन अवसर पे बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग अपने पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी के हाथों से अपने इस नए छोटूलाल का ग्रैंड ओपनिंग किए हैं, और जिसके तहत पूरे मुजफ्फरपुर में 10 किलोमीटर के रेंज में हम लोग रेस्टोरेंट के लगभग पैरेलल रेट में ही अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ सारे रेस्टोरेंटों का खाना हम उसी दर पे लगभग उपलब्ध कराएंगे। क्या रेट उठ का कुछ? हाँ, रेट हम लोग एक मिनिमम दर ले रहे हैं, 1,100 रुपया जो नॉमिनल चार्ज है, लेकिन साथ में वेलकम ऑफर भी दे रहे हैं जिसमें मिनिमम 100 रुपये के डिस्काउंट से लेकर बुलेट मोटरसाइकिल तक का स्कीम है, जो कि स्क्रैच के बाद आपको उपलब्ध होगा अगर आपके लग रहा तो। और साथ ही साथ एक हम लोग हर डिलीवरी के साथ एक ओबी बेल्स आइसक्रीम पैक फ्री दे रहे हैं। सांसद अजय निषाद ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपन पाठशाला में आयोजित बसंत उत्सव में शामिल हुए। सांसद अजय निषाद ने शादी की सालगिरह की खुशियां मुक्तिधाम में जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अपन पाठशाला में आयोजित बसंत उत्सव में छात्रों को शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए प्रेरित किया। सांसद ने बसंत उत्सव के मौके पर अपनी शादी के सालगिरह की खुशियां एक साथ बच्चों के बीच बांटी। सांसद ने कहा कि यहां उनके आने का मकसद है इन बच्चों के साथ सुख दुख बांटा जाए और शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए। सांसद ने कहा कि पहली बार वह जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के सचिव अपन पाठशाला के संचालक सुमित कुमार के बुलावे पर आए थे। यह बच्चों को देखा कि अलग अलग ड्रेस में सभी बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। यह ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां से इनका पलायन हो गया है।
उसके बाद मन में विचार आया कि क्यों नहीं बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू हो। आपस में बैठ के सब लोगों से बातचीत की और उसके बाद इनके लिए एक ड्रेस कोड लागू हुआ जो पहनकर बच्चे इस पाठशाला में आएंगे और उनको सुखद अनुभूति होगी। कैप्टन निषाद फाउंडेशन के सहयोग से पिछले साल से यह सिलसिला शुरू है। इस बार भी फाउंडेशन के सहयोग से 104 बच्चों के बीच गणवेश का वितरण किया गया। इस मौके पर अपन पाठशाला के सुमित कुमार, शिक्षक सुमन सौरभ, अविराज कुमार, मीनाक्षी चौधरी, साथ उद्योगपति और समाज सेवी श्याम सुंदर भीमसेरिया, डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल, डॉक्टर अर्चना, जदयू नेता धनंजय सिंह, भाजपा नेता दीपक पोद्दार समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। के ये जो मुक्ति धाम मंदिर में एक समाज सेवी सुमित जी हैं, उनके सहयोग से जितने भी जो गरीब बच्चे हैं यहाँ जो सब आता था उस पर ये लोग पैसा और बतासा लूटते थे, तो उनको समित जी ने इकट्ठा करके और एक स्कूल का रूप दे दिया। उसमें रानी सती मंदिर के अध्यक्ष भीमसेरिया जी का और जो यहाँ इस मुक्तिधाम मंदिर का संचालन कर रहे हैं आदरणीय रमेश केजरीवाल जी का, इन लोग का भी बहुत व्यापक सहयोग रहा। माना कि शिक्षा का स्तर जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग का पहला उद्देश्य जो सुमित जी का है वो है कि बच्चे को साक्षर बनाना और बच्चे को शिक्षा की भूख जगाना। अगर उसमें शिक्षा की भूख जग जाएगी तो यहाँ से उठ के स्वतः वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। दो दिनों से हो रही बारिश के कारण बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे उद्यमियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में बिन बरसात जलजमाव होने से उद्यमियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जलजमाव के कारण नाला और सड़क के बीच फर्क मिट गया है, इससे माल लेकर आने वाले गाड़ियां पलट जा रही हैं। कुछ ही दिन पहले जलजमाव के कारण नाले के समीप सड़क धंसने से एक ट्रक पलट गया। किसी तरह चालक व खलासी ने अपनी जान बचाई। हालांकि बेला औद्योगिक क्षेत्र को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए बीते 22 दिसंबर को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 110 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नाला व इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का ऐलान किया था। मंत्री के ऐलान के बावजूद अब तक औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। वहीं उद्यमियों का कहना है कि फेज वन में साल भर जलजमाव रहता है, सर के पानी में डूबी हैं, जल निकासी के लिए बने सारे नाले जाम हैं, इस कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। परेशानी हो रही है कि हमारे महिंद्रा ट्रैक्टर का यहाँ परिस्थान है और हमारा वस्तु भी यहाँ पे है, ग्राहक और किसान ट्रैक्टर लेके नहीं पहुँच सकता है। 2-3 महीने पहले हमारे 2-3 ग्राहक डूब गए पानी में, पानी डुबाव पानी था। अभी फिर वो देखिए आधा घंटे के बारिश में आपको यहाँ पानी 2-3 फीट तक आ गया है। प्रतिदिन कितने का नुकसान हो रहा होगा? प्रतिदिन हम लोग का लाखों का नुकसान हो रहा है। हम लोग हर महीने 50 ट्रैक्टर 100 ट्रैक्टर बेचते थे, आज हमारा वो ट्रैक्टर पे ग्राहक का माना लगे हैं और हमारा यह यहाँ पे जो रेंट है या फिर 100 आदमी है उनका महीना का खर्च निकल नहीं पा रहा है। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि नाला व सड़क के बीच फर्क नहीं दिख पाता है। नाले के पास से गाड़ियां गुजरने के दौरान सड़क धंसने लगती है, इससे औद्योगिक क्षेत्र में गुजरने वाले ट्रक व अन्य मालवाहक हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई दशक से जलजमाव झेल रहे हैं लेकिन ब्याडा के स्तर से जल निकासी के लिए पहल नहीं की जा रही है। दवा दुकान है और 2 साल से हम लोग परेशान हैं, दुकान में घुटना भर पानी लग जा रहा है, कोई कस्टमर आते जाते नहीं है और यहाँ पे नगर निगम बराबर हम लोग के दुकान के आगे नाला उला खन देता है उधर से पानी निकालने के लिए। बहुत परेशानी है सर हम लोग को। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ब्याडा का कमी है और नगर निगम वगैरह का कमी है इस सब में। क्या कारण है ये हमेशा जल जमाव लग जा रहा है यहाँ? क्योंकि बेला इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ बहुत सारे व्यापारी के बहुत सारे कारखाने भी है। दिगरा गांव से पानी निकल जाता था पहले और उधर से पानी गांव वाले लोग निकलने नहीं देते हैं, और भी वो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है शेरपुर होते हुए, वो कंप्लीट होगा तो हो सके ये काम पूरा हो जाए, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग जिनका जिनका है, वो जो पार्ले जी है, पार्ले जी के पास भीमसरिया है, वो लोग अपना अपना मतलब जमीन ऊंचा करके वो नाला को ही बंद कर दिया है, वो लोग अपना खोलते नहीं है, तो वहाँ से वो निकल जाएगा पानी तो हम लोग को सुविधा होगा, लेकिन वो लोग पानी निकलने नहीं देते हैं।
बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह हैं, चाहे आगे भी बहुत सारा कुछ है ऐसा जी। बहुत बहुत लोगों का इसमें संलिप्तता है सर, किस किस का नाम हम बोले इसमें, सबका नाम बोलना भी उचित नहीं लग रहा है। असर पड़ रहा है व्यवसाय पे सर, बहुत असर पड़ रहा है, कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिए इस रोड में हम लोग का दवा का दुकान है, हम लोग परेशान हैं यहाँ पे। ये दुकान बहुत दिन से बंद ही पड़ा हुआ है, इनके दुकान में ठेवनावर पानी लग गया था, उनका सर सब टूट गया था पानी के झोंका से, कौन आएगा यहाँ। काफ़ी परेशान है हम लोगों का, जो दुकान की स्थिति है भी देख सकते हैं। हम लोगों का जो ग्राहक का आवाक है, व्यापारी वर्ग आते हैं और जो भी ट्रक ड्राइवर लोग आते हैं वो सब इधर से ही आते हैं। वो जलमग्न होने के कारण फैक्ट्री भी डेट पर गया है, तो वो लोग को तो आवागमन ही बाधित हो गया है। लाखों की क्षति भी हो रही है। क्षति तो हम लोग अपना पर्सनल बता सकते हैं, विगत 19 जुलाई को जो है मोटा मोटी 6.5 लाख का जो नुकसान हुआ, सो आज तक भुगत रहे हैं। आगे जो है नगर निगम आके इसको जो खोद दी, खोद देने के बाद जो है सर पूरा से रूट जो भी मेरा दुकान का आती हो गया, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। और फैक्ट्री जितने भी हैं सब में पानी घुसा हुआ है, जिसका रॉ मटेरियल और ये सब डैमेज हो गया है। वो तो डोर टू डोर जाने के बाद आपको जानकारी, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हाँ, दुर्घटना तो हमें पिछले विगत साल हुआ था, जो 2 भीमसिडिया राइस मिल का स्टाफ था जो डूब के मर गए हैं। अब रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कार्पेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेंपल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेंपल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे इन द। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target. अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur.
घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दे। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज़ सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं अभी मोस्टली। पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10,000 से 15,000 की खरीदारी पर मेटल ईयर फोन, 15,000 से 25,000 की खरीदारी पर वीवो बैग और 25,000 से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है, ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। नगर निगम क्षेत्र के नए वार्डों और परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो गई है। टीम को 10 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने की तिथि निर्धारित की गई है। नगर निगम में जुड़े नए वार्डों के गठन एवं परिसीमन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। 10 फरवरी तक इसका गठन कर लिया जाएगा। इसके अगले दिन प्रारूप का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दावा आपत्ति एवं इसके निराकरण के बाद 8 मार्च को अंतिम रूप से वार्ड के गजट का प्रकाशन हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं डीएम को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि नवगठित नगर निकाय का भौगोलिक सीमांकन एवं जनसंख्या तय हो चुका है। अब नगर निकायों के वार्डों में विखंडित कर प्रत्येक वार्ड का सीमांकन किया जाएगा। आयोग ने निकायों की सूची के साथ संभावित वार्ड की संख्या भी तय कर दी है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम आदेश पारित होगा। यदि प्रारूप प्रकाशित वार्डों में किसी प्रकार का संशोधन जरूरी हो तो उसे
सम्मिलित करते हुए फिर से अंतिम सूची जारी होगी। नए नगर निकाय के गठन या उसके क्षेत्र विस्तार के बाद परिसीमन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा संपन्न कराया जाता है। हम सभी लोग सहयोग करते हैं और वार्ड गठन के पूर्ण उपरांत ही चुनाव का कार्य संपन्न कराया जाता है। नए वार्डों के परिसीमन के लिए क्या कुछ किया जी? इसी के लिए सभी नए नगर पंचायत जो भी बने हुए हैं सभी पर निर्देश दे दिया गया है और वार्डों का परिसीमन जैसे जिस विधि से दिया हुआ है प्रासंगिक पत्र में उसी के अनुरूप कराया जा रहा है। राजद मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, बिहार में एनडीए को कोई नहीं तोड़ सकता है, ये बातें सांसद अजय निषाद ने कही। बीजेपी सांसद अजय निषाद एक बार फिर से हमलावर मूड में है। हाल में दिल्ली से लौटने के बाद वे बयानबाजी से बचते दिख रहे थे, लेकिन शुक्रवार को वे पुराने अंदाज में दिखे। दरअसल एमपी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, यहां उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात रखी। सबसे पहले राजद पर हमला बोला, जब उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी राजद में शामिल होने वाले हैं, एनडीए को छोड़ देंगे, आरजेडी की सरकार बनेगी। इस पर सांसद ने कहा कि राजद मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखना बंद करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 5 साल तक सरकार चलेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। जिसको जो सोचना है और जो बोलना है बोलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुनिए इसके बाद मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं छोड़ा। ऐसा फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, ज्यादा उन पर हम नहीं बोलेंगे। काफी समय एनडीए का भी अंग रहे थे, उसका फिर यूपीए में चले गए, यूपीए में भी मुख्य रहे, नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़े बिहार विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान दे के फिर MLC बनाया, संसदीय दल का नेता बनाया, लेकिन वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले जो उनको जिम्मेवारी दी गई है उसको तो संतुष्टिपूर्वक काम करे। बेटे उन्होंने बयान दिया है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों एनडीए छोड़कर उनके साथ चले जाएंगे, राजद की सरकार बनने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी की सरकार 5 साल चलेगी। अगर कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो देखते रहें, सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 5 साल चलेगी। अच्छा, मुकेश सहनी 24 सीटों पर लड़ने वाले हैं चुनाव, MLC वाला जी। 165 सीट का तो अभी तक सूची हम नहीं देखे यूपी में, जो उन्होंने घोषणा की, कहाँ आया अभी तक तो हमने नहीं देखा। 24 का भी देख लेंगे और हम तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर का देखना चाहते हैं। नहीं, MLC चुनाव, हम वही हम बोल रहे हैं कि MLC का चुनाव सबसे पहले मुजफ्फरपुर का सूची देखना चाहते हैं कि कौन आ रहा है। निषाद आरक्षण की लगातार मांग उठा रहे हैं, ज्ञान की कमी है। बेला फेज 2 में हुए बॉयलर ब्लास्ट मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम पहुंची। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की 6 सदस्यीय जांच समिति ने शनिवार को बेला फेज 2 स्थित स्नैक्स फैक्ट्री का निरीक्षण किया। टीम में शामिल वैज्ञानिक और अधिकारियों ने बॉयलर फटने के कारण एवं बॉयलर की स्थिति के बारे में छानबीन की। टीम 2 घंटे तक क्षतिग्रस्त बॉयलर का बारीकी से जाँच किया, मामले में अब तक हुई जांच के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि स्नैक्स फैक्ट्री संचालक द्वारा बॉयलर संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO यानी कि बॉयलर संचालन के लिए अनुमति पत्र नहीं लिया था। इसके लिए फैक्ट्री संचालक ने बोर्ड को आवेदन दिया था, लेकिन जरूरी मापदंडों का पालन नहीं किए जाने के कारण आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस पर बोर्ड की ओर से CJM कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। बताया जाता है कि बॉयलर संचालन की सहमति लेने के लिए जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे, मानकों के उल्लंघन से घटना घटने की बात सामने आई है। टीम में शामिल अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया है। NGT ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 6 सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। टीम फैक्ट्री एवं बॉयलर के कागजातों की जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट NGT को सौंपेंगे। बिना अनुमति पत्र के औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर के उपयोग को लेकर बियाडा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। बताया जाता है कि लंबे समय तक बिना अधिकृत कागजात के बॉयलर का संचालन होते रहा, लेकिन निरीक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। NGT के स्तर से मामले में अब कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया था। वाटर एयर एवं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी उल्लंघन किया गया है। टीम ने बॉयलर के लाइफ के बारे में भी जानकारी ली।
एफएसएल द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट तलब की। इस दौरान टीम के साथ बियाडा उद्योग विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन आदि विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। टीम भाई हम नहीं जानते हैं, भारत सरकार का टीम था। जी। कितना सदस्य थे? कितना लोग थे भाई? 10 से 10-12 लोग थे। कितनी देर किए हैं जांच ये सब? 2 घंटे। 2 घंटा। पकीसराय चौक पर विनी केक्स एंड मो आउटलेट का विधिवत उद्घाटन किया गया। शहर के पकीसराय चौक के समीप विनी केक्स एंड मोर का न्यू केक आउटलेट का विधिवत शुभारंभ किया गया। आउटलेट का शुभारंभ ओनर गुफरान अहमद की पुत्री समरीन सिद्दीकी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर अहमद रजा, सुजीत कुमार, मनीष कुमार, नियाज अहमद, हसनैन खान, आफताब आलम, मोहम्मद फूल समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विनी आउटलेट में सभी प्रकार की केक उपलब्ध है और पहले से ही अपने स्वाद के लिए शहरवासियों के बीच धूम मचा रखी है। रोड में विनी केक पंजाब की कंपनी है जो इसका फ्रेंचाइजी मैंने लिया है। ये मुजफ्फरपुर में यह चौथा फ्रेंचाइजी है। यहाँ केक के साथ बाकी सारे सुविधा भी उपलब्ध है और नमकीन से लेकर के खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था है। बैठ के खाने की इसमें सहूलत है। उसके अलावा बिस्किट, कैडबरी, चॉकलेट सारा कुछ उपलब्ध है। यहाँ एक मार्केट से बेहतर सुविधा यहाँ दी जाएगी, प्लस कॉरपोरेट कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया जाएगा समय समय पे। एक बार आए ज़रूर, यहाँ एक बार आकर के देखें और यहाँ का टेस्ट लें। बहुत यम्मी टेस्ट है इसका और एक अच्छी चीज़ गुफरान जी ने यहाँ पर खोली है और हर आदमी खाने का शौकीन होता है, हम भी उसी में से हैं और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा टेस्ट। और भी ज़्यादा सामान है इसके अंदर? जी, स्नैक्स की सारी आइटम है और केक का हर वेराइटी यहाँ पे उपलब्ध है। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका सोनल अग्रवाल सूतापट्टी स्थित निवास स्थान पर माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही संस्कृति द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क बालिका शिक्षा विद्यालय की संचालक नीतू तुलश्यान के निवास स्थान में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चों के बीच स्कूल बैग, कॉपी पेंसिल, ड्राइंग कॉपी आदि स्टेशनरी सामान तथा स्नैक्स का वितरण किया गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।